जी व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। व्यूअर्स, आज आप डॉक्टर हुमैरा के साथ उन मेडिसिन के बारे में कुछ सीखने वाले हैं जो कि टिनाइटिस या कानों में जो है सीटी की आवाज़ पैदा कर सकती हैं। व्यूअर्स, आपको पता है कि टिनाइटिस जो है एक बहुत बड़ा मसला है और इसमें मुसलसल आपको कानों में जो है एक आवाज़ सुनाई देती है। तो आज इन मेडिसिन के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर है एस्प्रिन का और इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये भी जो एंटीबायोटिक्स हैं ये भी टिनाइटिस करती हैं। अच्छा जी, लूप डायूरेटिक्स जिसमें कि फ्रूसामाइड वगैरह आ जाती है, और अगर आप ये ले रहे हैं तो भी टिनाइटिस हो सकता है। अच्छा जनाब, जो लोग कोकेन, हेरोइन, मैरिजुआना इस तरह की ड्रग्स लेते हैं उनमें भी ये देखने को आ सकता है। अच्छा जी, क्विनीन लेना जो मलेरिया के लिए यूज़ होती है। अच्छा, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं जो कैंसर के लिए इस्तेमाल होती हैं वो भी हो सकती हैं इसमें। और इसमें मेन बात यह है कि इसको स्टॉप करने से जो है आपका टिनाइटिस जो है बाजू का स्टॉप हो जाता है। अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ये छोड़ देते हैं तो फिर ये है कि बाजू का वो क्योर हो जाता है। एंड व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।